अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम फिर आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें आप दिल्ली पब्लिक स्कूल की रिक्रूटमेंट देखेंगे। ये एकदम लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है और ये बम्पर वैकेंसी भी है। जितने भी बच्चे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जॉब खोज रहे हैं, उनको अच्छी जॉब चाहिए, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका है क्योंकि दिल्ली पब्लिक स्कूल ने ये रिक्रूटमेंट जारी किया है जो कि विंध्यानगर में है यानी मध्य प्रदेश। तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं और जिनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन है फिजिकल एजुकेशन में, वो एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर दिल्ली पब्लिक स्कूल में काम कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में वो सारे डिटेल्स कवर करने वाले हैं जो आपको हेल्प करेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आप सारे डिटेल्स कवर कर पाएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम डेली अपडेट्स देते रहते हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड रिक्रूटमेंट्स पर। तो आइए देखते हैं क्या क्या पोस्ट इन्होंने जारी किया है और कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहली चीज, ये स्कूल हैंड रिटन एप्लीकेशन मांग रहे हैं फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। आपको एक हैंड रिटन एप्लीकेशन लिखना है आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है तो हम उसी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत सारे पोस्ट की वैकेंसीज आउट की है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं पीजीटी फिजिकल एजुकेशन में वैकेंसी है, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में एक वैकेंसी है, और अगर आप योगा टीचर बनना चाहते हैं स्कूल में तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी आप एज अ पीआरटी योगा टीचर स्कूल में काम करेंगे। तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो पीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर या टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर या फिर योगा टीचर बनना चाहते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में, तो ये सही मौका है, आप इन फॉर्म्स को भर दें। अब हम देखेंगे कि क्वालिफिकेशंस क्या क्या है जो आपको ज़रूरत होंगी अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। तो पहला है, इन्होंने लिखा हुआ है क्वालिफिकेशंस एज पर सीबीएसई नॉर्म्स। जो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए वो एज पर सीबीएसई नॉर्म्स होनी चाहिए। यानी अगर आप पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन फिजिकल एजुकेशन विथ 55% मार्क्स। अगर आप टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए इन बैचलर्स डिग्री। अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है इन फिजिकल एजुकेशन तो आप टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, हम ये जितने भी पोस्ट इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो सारे परमानेंट पोस्ट हैं, तो आप इन फॉर्म्स को सही से भरें, ये बहुत अच्छा मौका है, आप एज अ परमानेंट टीचर स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं। बात करें सैलरी की तो आपको 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी, और कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स के लिए जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे सिलेक्शन होगा जिनका स्कूल में, उन पीआरटी टीचर्स को 30,000 का सैलरी दिया जाएगा पर मंथ, टीजीटीज को 40,000 का सैलरी दिया जाएगा पर मंथ, एंड पीजीटीज को 45,000 पर मंथ सैलरीज दिया जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए भी अच्छा खासा सैलरी ये पे कर रहे हैं। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स, अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए स्कूल से तो आप एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर स्कूल में काम कर सकते हैं, पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है और आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस यहाँ से मिल सकता है। अब हम बात करेंगे कि आप इसको अप्लाई कर कैसे सकते हैं। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई थ्रू अ हैंड रिटन एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ अपडेटेड बायोडाटा एंड अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एट एड्रेस मेंशनड अबव विथ डीडी ऑफ 300 ड्रॉन इन फेवर ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल। आपको एक हैंड रिटन एप्लीकेशन लिखना है कि आप इंटरेस्टेड है इस फॉर्म को भरने के लिए, यानी आप एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो या फिर योगा टीचर हो, आपको एक हैंड रिटन एप्लीकेशन लिखना है। देन आपको उसमें एक अपना एक बायोडाटा, अपडेटेड बायोडाटा उसमें अटैच करना है विद द रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, और आपको एक 300 रुपये का डीडी भी बनाना होगा, डिमांड ड्राफ्ट इन द फेवर ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल, जो कि किसी भी बैंक से आपका डीडी बन जाएगा 300 रुपये का, और वो डीडी पेएबल होना चाहिए एसबीआई विद्यान नगर में ही। आपको ये सारा एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी एप्लीकेशन है, आपको 15 डेज से पहले इस एडवर्टाइजमेंट के 15 डेज के अंदर अंदर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेज देने हैं। आपको एक अपना अपडेटेड रेज्यूमे भी इनको मेल करना होगा, resume@dpsvindhyanagar.edu.in इस ईमेल आईडी में आप अपना अपडेटेड रेज्यूमे इनको भेज दें। आपको बाय पोस्ट ये सारा डॉक्यूमेंट्स भेजना ही भेजना है, इन एडिशन आपको एक रेज्यूमे भी भेजना पड़ेगा इस ईमेल आईडी में। अब आगे देखते हैं, जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और उनको बस फेयर या ट्रेन फेयर का भी जो पैसा होगा वो रीइंबर्स कर देंगे, यानी आपको आप जिस मोड के थ्रू आएंगे आपको आपके बस का चार्जेस और या फिर आपके ट्रेन का चार्जेस वो आपको दे देंगे, यानी आपको ये पैसा वापस मिल जाएगा। ये एडवांटेज, ये फैसिलिटी इन्होंने रखा है। और स्कूल मैनेजमेंट रिजर्व्स द राइट टू कॉल ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। जितने भी बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे सिर्फ उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, बाकी किसी को नहीं बुलाया जाएगा। यानी अगर आपको कोई कॉल या कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं करता है स्कूल की तरफ से तो आप समझ लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। जिन बच्चों को कॉल आएगा, जिनका सीवी
उनको प्रॉपर ऑर्डर में मिलेगा। अगर वो लायक है स्कूल को ज्वाइन करने के लिए तभी उनको कॉल आएगा या फिर वो कांटेक्ट करेंगे। तो ये सारी बातें थी, आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ें थी। आपको अपना हैंड रिटन एप्लीकेशन आपको एक रेडी करना पड़ेगा विथ अपडेटेड बायोडाटा, और उसको आपको उसके साथ आपको एक DDB बनवाना है 300 रुपये का इन दी फेवर ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल, जो कि पेबल है SBI विद्यान नगर SBI से। और आपको ये सब भेज देना है स्कूल के एड्रेस पर। उसी के साथ साथ आपको एक रेज्यूमे भी भेजना है इस ईमेल आईडी पर, resume@dpsvidyannagar.edu.in। इसमें आपको उस पोस्ट के साथ साथ आपको ये भी भेज देना है, अपना रेज्यूमे भी इस मेल में भेज देना है। तो हमने इसमें जितने भी वैकेंसीज आउट हुए थे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड और योगा से रिलेटेड हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। क्वालिफिकेशन, सैलरीज, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। तो ये सारी बातें थी दिल्ली पब्लिक स्कूल विद्यान नगर की रिक्रूटमेंट की। जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। अगर आपको इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्रिपेयर वेल एंड ऑल द बेस्ट।